नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुर त्यागी और चैनल का नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्टेप। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, हमारे पास कई ऐसे सवाल आए हैं जिसमें लोगों ने हमारे से पूछा है कि डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक क्या है। लोगों को अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। दोस्तों, 2018 आ गया है और ऐसे में हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि हम अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग पर ना लेके जाएं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम लोगों को पता हो कि ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गूगल से। दोस्तों, गूगल एक सर्च इंजन है जिसपे आप जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर टाइप करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोई मोबाइल फोन खरीदना है किसी भी बजट में, तो मैं यहाँ पे जाके टाइप करूंगा मोबाइल फोन अंडर 10,000, क्योंकि मेरा इतना ही बजट है। तो जैसे ही मैंने गूगल पे लिखा कि मोबाइल फोन अंडर 10,000, तो मेरे पास हजारों ऑप्शन आ गए और मेरे को ये पता लग गया कि कौन कौन सी कंपनी इन मोबाइल फोन में डील कर रही है। जैसे कि इसमें भी नोकिया दिखा रहा है, मोटोरोला दिखा रहा है, हवाई के फोन दिखा रहा है, ओप्पो दिखा रहा है, मोटोरेजर दिखा रहा है, ब्लैकबेरी दिखा रहा है। तो मेरे को ऐसे अंदाजा हो गया कि कौन कौन सी कंपनी इन फोन्स में डील कर रही है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि गूगल कैसे काम करता है। अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जो रैंकिंग में अच्छी है, तो वो आपके आगे सारी इंफॉर्मेशन लाके रख देगा। तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू होती है और आप नीचे तक देखेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल ने हमारे आगे लाके रख दी है, और आप नीचे तक जाएं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। लेकिन आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऐड भी दिखेंगे जो सबसे ऊपर गूगल ने चला रखे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके नीचे भी ऐड चल रहा है मोबाइल फोन अंडर 10,000 का, जो कि फ्लिपकार्ट का है और सबसे ऊपर अमेजोन का है। तो दोस्तों, ये वो कंपनीज हैं जो गूगल को पैसा पे कर रही हैं उस अपने एडवर्टीजमेंट को गूगल के फर्स्ट पेज पे शो करने के लिए, ताकि उसको ज्यादा कस्टमर मिले। और अगर आप इनके नीचे देखेंगे तो जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके आगे ऐड नहीं लिखा हुआ है, ये दोस्तों आ रही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, एसईओ की वजह से। तो दोस्तों, एसईओ करने के लिए हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करनी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो गूगल हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे या अपनी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइटों से आगे रैंक करा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली, गूगल को बिना पैसा दिए हुए। और इसी की जगह आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने करी हुई है, तो मेरे को गूगल को कुछ पैसा पे करने पड़ेगा जिससे वो मेरी एडवर्टाइजमेंट को अपने फर्स्ट पेज पे दिखाएगा सबसे टॉप पे। तो दोस्तों, ये दो चीजें थी जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग थी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थी। तो दोस्तों, जो रिजल्ट हमें पैसे देके मिलते हैं गूगल को, वो सर्च इंजन मार्केटिंग की वजह से मिलते हैं, और जो हमें ऑर्गेनिकली मिलते हैं वो मिलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। तो दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं सोशल मीडिया पर। जैसे कि आप आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस टाइप के सोशल मीडिया काफी यूज करते होंगे। तो जैसे ही आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल खोलेंगे तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो दोस्तों, इस ऐड के हमें फेसबुक को पैसे पे करने पड़ते हैं। जितने भी लोग फेसबुक पर हैं, हम उन लोगों तक अपनी ऐड या अपनी कंपनी को पहुंचा सके। दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि हमारी ऑडियंस सोशल मीडिया पर इतनी फैल चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो जितने भी एडवर्टाइजर हैं वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पैसा लगा रहे हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां और छोटी छोटी कंपनियां भी हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम किसी दूसरी साइट पर जाके देखते हैं, जैसे कि मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट खोली, तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं ये भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है यहाँ पे, और ये इधर बिल्कुल राइट में भी डिजिटल विद्या की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो दोस्तों, गूगल ना सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग से एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, वो बैनर के रूप में भी और डिस्प्ले पार्टनर के रूप में भी अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। दोस्तों, गूगल के कई ऐसे डिस्प्ले पार्टनर हैं जो गूगल के एडवर्टाइजमेंट अपने उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, गूगल का एक और पार्ट है जो कि है यूट्यूब, जिसपे हम वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे, आप उस पर भी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जो गूगल के द्वारा होती है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। या भी कोई आप नई वीडियो ओपन करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाती है कई बार, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने वीडियो कोई और चलाई लेकिन उससे पहले ये मेरे को एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है। अगर मैं स्किप ऐड करता हूँ तो ये एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाएगी। तो इसे देख के आपको एक चीज का अंदाजा हो गया होगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के ऊपर कैसे काम कर रही है। तो अगर हम इंटरनेट के ऊपर कहीं भी जाते हैं और हमें कोई ऐड दिखती है, तो वो किसी एडवर्टाइजर ने चलाई होती है, जिसके पैसे वो गूगल को या किसी भी
प्लेटफॉर्म को पे कर रहा होता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं। हम यूट्यूब के जरिए अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, या कॉन्टेंट के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, या किस तरीके की मार्केटिंग में हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी सबसे ज्यादा हो। कि मैं यूट्यूब पे अपना एड दिखाऊं, कि सोशल मीडिया का मैं यूज करूं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, या मैं गूगल का यूज करूं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बिजनेस की नीड्स को समझना पड़ेगा और अपने हमारे कंज्यूमर की अटेंशन को समझना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो कंज्यूमर है उनकी अटेंशन कौन से प्लेटफॉर्म पे है फिलहाल। तो वो सब जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस है क्या, कि वो प्रोडक्ट में डील करता है, या किसी सर्विस में डील करता है, या लीड जनरेशन में डील करता है, व्हाटएवर। तो उस बेसिस पे हम डील करते हैं कि हमें किस तरीके की मार्केटिंग हमारे लिए फायदेमंद होगी, या किस तरीके की मार्केटिंग में हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं निकलता है और वो लॉस में चले जाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। जैसे कि आपने एक कोई टर्म सुनी होगी PPC, जिसका नाम है पेपर क्लिक। जैसे कि गूगल पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, अगर मैं इनमें से किसी भी एड पे क्लिक कर देता हूं तो ये कंपनी को गूगल को पैसे पे करने पड़ेंगे। क्लिक करते ही इसके पैसे कट हो जाते हैं। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट दिखाने के ये कंपनी कोई पैसे पे नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूं तो इनकी कंपनी के पैसे इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तभी के तभी गूगल इनके अमाउंट में से कुछ पैसे काट लेता है, जितने भी इन्होंने मार्केटिंग पे लगाए होते हैं। तो जैसे कि मैं इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मैं इन प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जान सकता हूँ, जो कि मैंने अपने मोबाइल फोन के बारे में मुझे जानना था, जो कि 10,000 से नीचे हो। तो गूगल ने मेरा काम आसान कर दिया, उसने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के आगे लाके खड़ा कर दिया और मेरे को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। तो दोस्तों हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी। जैसे बिजनेसेस थे पहले, न्यूज़पेपर को चुनते थे, टीवी एडवर्टाइजमेंट को चुनते थे, पैम्पलेट एडवर्टाइजमेंट को चुनते थे, क्योंकि पहले वो चीजें काम करती थी। लेकिन अब हमारे जो कंज्यूमर हैं उनकी अटेंशन कहीं और है, वो इंटरनेट पे ज्यादातर टाइम अपना बिताते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा और डिजिटल मार्केटिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे हमारी जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमारी अच्छी हो जाएगी और हमारे जो कंज्यूमर है हम उनसे इंटरेक्शन भी बढ़ा सकते हैं और अपनी सेल्स या जो भी हम सर्विस अपनी देना चाहते हैं लोगों तक, वो हम ज्यादा सेल कर सकते हैं। दोस्तों लोग आजकल अपने लैपटॉप को और अपने टैब्स को और अपने फोन्स को ज्यादा यूज करते हैं। तो जब हमारे यूजर्स ही सारे इन चीजों को यूज करते हैं तो हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट को भी इन प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत सारा पैसा टेबल के ऊपर लूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारी जगह कोई ना कोई तो कर ही रहा है, तो जितना भी हमारा कस्टमर बेस है या जो हमारा बिजनेस है वो और लोग लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको समझा पाऊं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यूट्यूब, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO वगैरह, जिसके जरिए मैंने आपको ये समझाया कि डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। अगर आप इसके बारे में डीप में जानना चाहते हैं तो आप हमारे आगे आने वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी सीरियस हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको आगे जाके बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।